मौसम विभाग ने हिमाचल में 27 और 28 जुलाई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। अगले दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इस दौरान तूफान चलने और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। और संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, पहले येलो, फिर ऑरेंज और अब रेड अलर्ट, क्या जानकारी मिल पा रही है? और आशीष, देखिए आज जो है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों का फॉरकास्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक जो है पूरे 10 जिला में जो है उनमें से 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कांगड़ा, मंडी और सिरमौर रेड अलर्ट जो है वो पहली बार जारी किया गया है, यानी तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। इसको लेकर संबंधित जिला अधीश को जो है वो निर्देश और फॉरकास्ट दे दी गई है कि इस पर जो है वो तैयारी जरूर करके रखें, क्योंकि एहतियात रखना बेहद जरूरी है आशीष, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कई इलाकों में जो है वो तेज बारिश जो है रात के समय में हो रही है, फ्लैश फ्लड की घटना जो है, बादल फटने की घटना से जो है लिंक रोड्स काफी डैमेज हुए हैं और मेन हाईवे को भी काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगले दो दिन जो है वो प्रदेश में तेज बारिश जो है वो इन इलाकों में हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो है जिला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो गाइडलाइंस दी जा रही है, लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि नदी नालों से दूर रहें और ऐसी लोकेशंस को ना चूज करें जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बना रहता है। तो आने वाले दो दिन जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने वार्निंग दी है, तो वो देखना होगा कि दो दिनों में किस तरीके की बारिश हो, क्योंकि इस बार की बरसात में ये पहली मरतबा फॉरकास्ट में देखा गया है कि रेड अलर्ट जो है वो 3 जिला में दिए गए हैं। तो यानी रेड अलर्ट को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस टाइम सचेत रहना बेहद जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि कितनी इस वक्त स्थिति रेड अलर्ट को लेकर है।